दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी जो है वन प्लस के मोबाइल में होम स्क्रीन से जो है टाइम गलती से रिमूव हो गया, टाइम हट गया, तो आप लोग कैसे फिर से होम स्क्रीन पर जो है टाइम को कैसे सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की जो होम स्क्रीन है उस पर आपको जो है थोड़ी देर टाइप करके रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पर थोड़ी देर टाइप करके दबा करके रखोगे तो आपको यहाँ पर जो है नीचे तीन चार ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिखाई देंगे उनमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विजेट्स का। तो आपको जो है विजेट्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विजेट्स आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है टाइम वाला एक विजेट्स विजेट आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर मेरे सामने दिख रहा है टाइम वाला विजेट्स, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की साइड या फिर नीचे जो है डन का या फिर ओके का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको डन या फिर ओके कर देना है। जैसे आप लोग डन कर दोगे उसके बाद दोस्तों आपका टाइम आपकी होम स्क्रीन पर जो है सेट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी होम स्क्रीन पर टाइम सेट हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।